आजकल मार्केट में कॉर्न बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, एकदम नेचुरल वाले, मीठे मीठे और नरम मुलायम वाले। और इसी कॉर्न को यूज करके आज एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। अगर नाश्ते में आप भी बहुत हल्का फुल्का चटपटा मज़ेदार सा खाना पसंद करते हो तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी जी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कॉर्न ले रखा है, ये देखिए बिल्कुल, इसको एक सीटी पे उबाल के रखा हुआ था। और ये ऐसा इसको हमने दरदरा कर लेना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत मोटा नहीं करना। और जो घर के बेसिक सामान से जो ज़बरदस्त वाली रेसिपी बनती है ना, उसके क्या कहने हैं। ये देखिए कॉर्न डाल दिया, प्याज डालेंगे और अदरक, और इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर और धनिया। और अगर आपके पास शिमला मिर्च गाजर नहीं है तो आप बस प्याज डाल के भी बना सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बनता है। और बाइंडिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम, घर में बची हुई ब्रेड है उसको आप ग्राइंड कर लो। और ओरिगैनो, चाट मसाला, नमक और चिली फ्लेक्स, घर के बिल्कुल बोला ना आपसे बेसिक सामान से बनाएंगे जी। और इसके सिवा इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग बहुत कम डाली है। एक चम्मच दो चम्मच के हिसाब में ब्रेड क्रम्स डाला हुआ है, तो बाइंडिंग अच्छी तरीके से होने के लिए हाथों से मिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बिल्कुल ताज़ी ताज़ी वाली ब्रेड लेनी है। अगर टोस्ट बनाना है तो ब्रेड को बिल्कुल ताज़ी वाली लीजिएगा और ये अच्छी तरीके से हर तरफ लगाना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। लगाते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि लेयर बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी परफेक्ट वाली लेयर होगी तो अच्छी तरीके से सिक के जो टोस्ट बनते हैं ना जी, खा के मज़ा आ जाता है एकदम। ज़रूरी नहीं है कि आप नाश्ते में बनाओ, अगर शाम को कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो वहाँ भी बना सकते हो। और ये गया थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मैं भाई सैंडविच हमेशा घी में बनाते हैं, उसका जो टेस्ट आता है ना मज़ा आ जाता है। और ये देखिए अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए बिल्कुल एकदम गैस को सिम करके इसको अच्छी तरीके से उलट पलट के सेकेंगे, हल्का सा प्रेस करते रहेंगे, जिससे है कि बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए और सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए। देखिए कितना अच्छे से एकदम स्लाइड हो रहा है, परफेक्ट पलटेगा। अगर बाइंडिंग परफेक्ट है तो दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं। ये देख रहे हो क्या मज़ेदार सा घर के बेसिक सामान से ना जो ज़बरदस्त वाला नाश्ता बनता है जी। कॉर्न वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं। कलर देखो बिल्कुल कुरकुरा करारा वाला कलर आ गया, और ये भाई बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। मेरे घर की तो हिट वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए प्लेट भी तैयार होगी भाई। तो जब तक हमारी प्लेट तैयार होती है तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। और ये देखो ये मज़ेदार वाली रेसिपी, तो बारिशों में कॉर्न टोस्ट बनाना तो भाई बनता ही है।